हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ गाइस। सुबह सुबह का टाइम है और मैं आई हूँ अभी मंदिर से पूजा पाठ करके। और आज सोमवार, आप सबको हर हर महादेव। हर महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे, जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण हो। और आप हमेशा अपनी लाइफ में स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, यही प्रार्थना करती हूँ मैं भोलेनाथ से आपके लिए। ठीक है, तो कल मैंने वीडियो डाली थी जो आपको काफ़ी पसंद आई, जो मैंने अपनी स्टोरी सुनाई थी, अच्छी लगी आपको। काफ़ी लोगों से मोटिवेट भी हुए हैं, किसी ने शुरुआत भी कर दी है कि दीदी हम कर रहे हैं। किसी की स्टोरी मेरे जैसी सेम ही थी। हाँ, होता है ऐसे ही, सेम ही होती है। लगभग लोगों को ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं जब मोटे होते हैं, तो ऐसे ही सुनने को कुछ ना कुछ मिलता रहता है उनको। तो अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने बारे में सोचिए और उठ जाइए, अपना वेट लॉस करिए आप। ठीक है, आप नहीं करोगे तो और कौन करेगा? आपके बारे में सिर्फ आपको सोचना है और कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में, तो खड़े हो जाइए आप। और एक कमेंट ऐसा था कि दीदी पेट साफ अच्छे से नहीं होता, तो डियर आप गर्म पानी पीजिए और सुबह आपको सिप सिप करके नहीं, बिल्कुल तेज से पानी पीना आपको, नॉर्मल ले लीजिए, ज़्यादा गर्म नहीं। और मल आसन में बैठ के पानी पीना है आपको, तो आपके पेट की समस्या ठीक हो जाएगी। और आप हरी सब्जियां खाइए और पपीता खाइए आप, उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। और ऐसे नहीं कि एक दिन में ही हो जाए, कम से कम आप 10 से 15 दिन करके देखिए तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। मेरे साथ भी होता था, जब अब नहीं होता तो मैंने ऐसे ही किया, मल आसन में पानी पिया और आप देखते ही हो, ज़्यादातर मैं हरी सब्जियाँ या पपीता मैं खाती हूँ। ठीक है, और एक सिस्टर है कि दीदी आपकी वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है, मोटिवेशन मिलती है आपकी वीडियो से, तो बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो को देख के। और मैं भी शुरुआत कर रही हूँ, मेरा वेट शायद उनका वेट मुझे याद नहीं है कितना, उन्हें 6 से 7 kg वेट लॉस करना है, तो डियर करिए आप, अपना वेट लॉस हो जाएगा जल्दी से। और आज आपको मेरा चेहरा ऐसे ही लग रहा होगा, रूखा रूखा, थोड़ा सा ऐसे ही उदासी दिख रही होगी, जो मुझे बिल्कुल बारीकी से देखता है। तो मेरे लकवे की समस्या 2 बार आ चुकी है गाइस, और मुझे हाथ में आज इतने से हाथ में मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसे ऊपर कुछ भी चीज़ इसमें उठाती हूँ ना, वजन तो उठ नहीं रहा है, तो इसी टेंशन हो रही है मुझे, इसमें काफ़ी दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, पता नहीं क्यों सुबह से बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ, हालांकि मैं इस हाथ से काम करती हूँ लेकिन ये लगाती हूँ, वैसे भी दर्द ही है इसमें, तो मुझे डर लगता है कि हे भोलेनाथ दोबारा से वो दिन ना आए मेरी लाइफ में कि सारा दिन पड़ी रहती थी और ना मुझसे खाया जाता था, पिया जाता था। लकवे की बीमारी तो यही है कि हाथ पैर सुन्न हो जाना, कुछ भी नहीं बचना, तो मुझे डर लग रहा है उस चीज़ का। तो ऐसे ही हूँ मैं, उदास सी। आज मेरा मन भी नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन आप वेट करते हो, बोलते हो कि दीदी एक दिन भी वीडियो मत छोड़ना, हमें अच्छा लगता है, आपसे मोटिवेशन मिलती है, इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को शेयर किया करो और लाइक किया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ जो भी नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो अभी मैं करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट पर ब्रेकफास्ट में खाऊंगी मैं गाइस संतरा, तो अब मैं लिए संतरा छील रही हूँ। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है गाइस मेरे हाथ में, पता नहीं क्या हुआ, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं उठ रही इससे, बहुत कोशिश कर रही हूँ मैं, भगवान मेरे साथ ऐसा कुछ ना करना दोबारा से, मुझे काफी डर लग रहा है कि ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ये रहेगा गाइस मेरा ब्रेकफास्ट संतरा, तो खा लेते हैं, आ जाओ आप भी मेरे साथ, खाते हैं अपना संतरा। तो गाइस मैं आ गई हूँ अभी धूप में, अपनी ग्रीन टी लेके, ग्रीन टी पीऊंगी मैं अभी,
चाहे मैं कुछ भी खाऊं कुछ भी पीऊं ग्रीन टी लेती हूं और स्वीकार सर वाली ही लेती हूं। इससे है ना बहुत ही हल्का फील होता है, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ हैवी चीज़ खा भी लूँ ना जैसे पराठे वगैरह और ग्रीन टी ले लूँ तो बिल्कुल हल्का हल्का सा फील होता है, बिल्कुल लाइट हो जाता है। तो ग्रीन टी आप ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी बना रही हूँ सब्ज़ी, सब्ज़ी मैं बना रही मैं आज मटर पनीर। तो मैं काफ़ी कम ही बनाती हूँ गाइस मटर पनीर, अगर खाना होता है तो होटल से ही आता है क्योंकि मनु डोन कम ही पसंद करते हैं घर का बना हुआ मटर पनीर, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसको पसंद आ जाए। तो यहाँ पे मैंने प्याज को कर लिया है, इसमें मैंने लहसुन अदरक ये सब पीस लिए हैं और इसमें मैंने पीस दिए हैं खड़े मसाले भी क्योंकि उसको ऐसे मसाले नहीं अच्छे लगते। लौंग इलायची वगैरह मैंने पीस दिए, मैं क्या करूँ पता ना चले उसको इस वजह से। और अब मैं तड़का लगाऊंगी, तेल चढ़ा दिया मैंने, तेल भी गर्म हो गया है। तेल मैंने आज गाइस ज़्यादा ही यूज किया थोड़ा सा, लेकिन कभी कभी चलता है। तो बना लेते हैं सब्जी अपनी। इस ग्रेवी में डालूंगी मैं अब दही, या आप इसकी जगह मलाई भी यूज कर सकते हो, लेकिन मलाई है नहीं, मैं करूंगी दही यूज, तो इससे ग्रेवी अच्छी लगती है। मसाले को पकने देते हैं। तो मसाला पक चुका है गाइस अभी, जब तक मैंने लगा लिया आटा। और अब डाल देते इसमें अपने मटर, मटर मैंने पहले से उबाल लिए थे निकाल के। बना दी है रोटियां, बना रही हैं ये क्योंकि मेरे हाथ में हो चुका काफी दर्द और पट्टी बांध दी है मालिश करके, तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो बोले रोटियां मैं सेक देता हूं। और क्या, मैं बना दूंगा रोटियां, क्या दिक्कत है। भीड़ पड़ी में हमको जरूरत पड़ती है तो काम करना पड़ता है। तो मेरे बहुत दर्द हो रहा है गाइस, बहुत ज्यादा। आराम करो, ऐसे हो रहा है कि बस मैं खाना खाऊंगी, खाना नहीं खाया मैंने सुबह से। ताकत वाली क्या खाऊं? अनार खाओ, सेब खाओ, खाते हो ड्राई फ्रूट ले लो, ये सब खाया करो, उससे क्या शरीर में एनर्जी रहेगी। भले रोटी चाहे एक रोटी कम खा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ड्राई फ्रूट वगैरह जरूरी है, सेब संतरा ये सब ड्राई फ्रूट भी और वैसे भी सेब संतरा वगैरह। अनार लेके आऊंगा, अनार का जूस पिया करो, दाना निकालो, ठीक है। वेट लॉस, वेट लॉस बस उसी में लगी रहती है। तो गाइस ये है मेरा आज का लंच, खा रही हूँ मैं अभी खाना, काफी लेट हो चुका है आज तो मैं अभी खा लेती हूँ। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ स्कूल से, और मैंने स्कूल से आगे देखा मम्मा के हाथ में हो रहा है बहुत जोर का दर्द, मम्मा का हाथ उनके हाथ से उठ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अभी मैंने कपड़े वपड़े चेंज किया, खाना खाया है। क्या हुआ मम्मा, आपके हाथ में दर्द कैसे हो रहा है? उठ ही नहीं रहा ना, पता नहीं क्या हो गया। तो गाइज इसका कोई इलाज है तो बताना कमेंट बॉक्स में, पता नहीं इनका हाथ एकदम ही उठ नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे लक्को आया है। तो इसका कोई इलाज है तो कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की वीडियो को हम रखते हैं यहीं तक,
अगर आपको वीडियो पसंद आया होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।